एक तरफ जहां झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने जहां शिरकत की, अब इसके बाद तस्वीर सामने आ रही है जहां चुनावी अभियान के बाद उस जगह पर गंदगी का अंबार लग चुका है। ये तस्वीरें हैं झारखंड के गिरिडीह जिले की, जहां हाई स्कूल मैदान में चुनावी अभियान के बाद खाना बना और हजारों की संख्या में लोगों ने खाना खाया। गौरतलब है कि खाना भी उसी मैदान के पवेलियन में बनाया गया था जहां सुबह सुबह लोग और प्लेयर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं। अब इसी दौरान तस्वीरें सामने आई है, जरा आप गौर से देखिए, जहां मैदान की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही है। हजारों पत्तल चावल दाल सब्जी का अंबार लगा हुआ है, पत्तल इधर से उधर पसरे पड़े हैं, मतलब कुल मिलाकर कहें तो गंदगी का यहां पर अंबार लग चुका है। लोगों का कहना है कि अब वो मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं और अब गंदगी से दुर्गंध भी आने लगी है। मतलब एक दिन में अभी तक इस कूड़े को साफ नहीं किया गया है और अब इस चीज को लेकर लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये है सर्कस मैदान जिसको कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका हाई स्कूल ग्राउंड है, गिरिडीह हाई स्कूल ग्राउंड है, इसको ब्यूटी फील्ड भी कहते हैं। बहुत सुंदर पहले हुआ करता था जब हम लोग खेलते थे, अभी क्या है कंपाउंड हुआ, एक बढ़िया एक मैसेज है। और हम लोग उस भी बचाओ अभियान के तहत में 50 पेड़ लगाए, वो दिख रहा होगा अब सब बड़ा बड़ा भी हो गया। यहाँ लोग सुबह सुबह टहलते हैं, अब यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, यहाँ पे कोई कार्यक्रम कराए वो चलिए ठीक है, मैदान में अपना कराते ठीक ठाक है, लेकिन जितना बजट उनका उसमें से 2-4 हज़ार रुपया बढ़ा देते तो मैदान में जो गंदगी फैलाया गया है वो मैं समझता हूँ कि अभी 12 बज रहा है और कल ये हुआ है, यानी 24 घंटे में उनको यह समझ में नहीं आया कि इसको साफ कराया जाए। अभी कुछ देर पहले नगर निगम का यहाँ पे टैंकर भी था, अर्थात नगर निगम से अगर पानी लाया गया है तो नगर निगम के भी संज्ञान में था, स्कूल के भी संज्ञान में था, उन लोगों को दबाव बनाना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है कि मैदान में, जो चूँकि सार्वजनिक मैदान है, किसी का पर्टिकुलर मैदान नहीं है, लोग यहाँ घूमते हैं खेलते हैं स्वच्छ हवा लेते हैं, अब कहीं पगडंडी में वो घूम नहीं सकते क्योंकि इतनी गंदगी है यहाँ पे, हम यहाँ खड़ा है तो बास आ रही है। और ऐसी शिकायतें कम से कम 30 से 40 कॉल हमारे पास आया और हम तो सभी जो भी है मुद्दे को उठाते हैं और आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचता भी है। जो गलत है वो गलत है, अब इसको तत्काल कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए, नहीं तो फिर अगर राजनीतिक पार्टी कोई है जिसको यहाँ किए हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वो चुनाव आयोग तक भी जाएगा और हम कर सकते हैं और सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। गंदगी को मत फैलाइए, जहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल के हैं उस जगह पे यदि कार्यक्रम कराते हैं बढ़िया बात है, होना चाहिए, लेकिन गंदगी फैला के जाएंगे हम उसका विरोध करेंगे, लगातार विरोध करेंगे।